अरे बजाएगी मेरी फोन बजाएगी। अरे ये देखो बस बस बस, अगर इतनी अच्छी लग रही है तो चलते वक्त इसे ले चलेंगे। हाँ हाँ इसे क्यों, दरवाजा भी पैक करके ले चलते हैं ना। एक काम करते हैं, इस घर में रिबन बांध के इसी को ले चलते हैं। चुप है, घर को कैसे ले जा सकते हैं हम लोग? अरे घर को ले जा सकते हैं भाई, घर को दो हैंडल लगा लो, घर ले जाओ। बस बस। अरे दीदी, अरे तुम लोग अचानक बिना बताए कैसे आना हुआ? अरे हमारे घर में रेनोवेशन चल रहा है, हमने सोचा आपके पास आ जाते। अरे मौसी क्या सोचेगी, उन्हें बम्बे शिफ्ट हुए एक हफ्ता भी नहीं हो और हम लोग उनके घर में शिफ्ट हो गए। कमाल है, अपने बच्चों के बारे में कोई ऐसा सोचता है। चलो चलो रघु सामान लेकर आ जाओ। अरे ये चीटिंग है मम्मी जी, यहाँ तक मतलब टैक्सी से यहाँ तक मैं सामान उठा के लाया, अभी ढक्कन को उठाने दीजिए ना। तो एक काम करते हैं ना, सामान उठाने के काम को आधा आधा डिवाइड कर लेते। हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन डिवाइड कैसे करेंगे? अरे भाई सामान सारा मैं उठा लूंगा और मुझे रघु साहब उठा के अंदर ले चलेंगे और क्या हो गया ना डिवाइड। अबे बकवास मत कर, सामान उठा और अंदर चल। सामान उठा और अंदर चल, सामान उठाओ अंदर चल। किसको बोल रहा है? अरे देखिए तो कौन आया है, दुर्गा और उसके बच्चे। अच्छा, और वो है कंचन का हस्बैंड रघु। अरे भाई तुम भी कमाल करती हो, ये भी कोई बताने की बात है। हाँ शक्ल से ही पता चलता है, अपनी कंचन ने भी चुन कर पति ढूंढा है। मौसा जी रघु मैं हूँ। तो ढक्कन कौन है? ढक्कन ये है, ये तो सरासर नाइंसाफी है, बेइज्जती है रघु की। इतना बड़ा अपमान, इतना खुददार इंसान कैसे सहन कर पाएगा? यस मामा। देखिए मैं आपको वार्न करता हूँ, या तो इस अपमान के बदले आप वो बाहर लगी हुई घंटी और 501 रुपया हमें दें, या फिर मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार हो जाए। मुकदमा? कहिए, हम तैयार हैं मुकदमा लड़ने के लिए। कौन से कोर्ट जाना है? अरे क्यों पंगा ले रहे समधी जी, मेरे जीजा जी लॉयर हैं। अरे लॉयर है तो क्या किसी का भी मजाक उड़ाएंगे? आई लव लॉयर्स। रघु क्या तुम इतने खुदगर्ज हो कि छोटे मोटे अपमान नहीं सह सकते? अरे एक छोटी सी घंटी और 501 रुपए के लिए इतना गुस्सा? नहीं नहीं सॉरी बोलो सर को, सॉरी बोलो, सॉरी 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 मौसा जी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भाई ये सब तो ठीक है, अच्छा किया आप लोग यहाँ पर आ गए, लेकिन वहाँ रिनोवेशन के काम पे नजर रखने के लिए किसी को छोड़ा है या नहीं? ओ डोंट वरी जीजा जी, रिनोवेशन का काम मेरे हस्बैंड के कजन ब्रदर ही कर रहे हैं, सोहन। नहीं नहीं दुर्गा, रिस्क नहीं लेना चाहिए। अरे भाई आजकल रिनोवेशन के नाम पे क्या लोग चुना लगाते हैं। हाँ हाँ फिर मौसा जी झूठ थोड़ी ना बोल सकते हैं। अरे लॉयर है, लॉयर। मौसा जी पता है मेरे एक पहचान वाले लॉयर ने कॉन्ट्रैक्टर को अपना 2 बेडरूम हॉल किचन रेनोवेट करने के लिए दिया था। रेनोवेशन के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने उसे 1 बेडरूम हॉल किचन वापस किया। कहने लगा एक कमरा रेनोवेशन में खर्च हो गया। ये क्या बकवास है? एग्जैक्टली, हमने भी उसे यही कहा। अरे छोड़िए ना इन्हें, इन्हें तो हम कब से झेल रहे। दीदी सुनो, तुम दोनों तुम्हारी ड्यूटी फिक्स्ड होगी, कल सुबह 10 बजे तुम हमारे गेट पर होगे, रेनोवेशन पर नजर रखने के लिए। हिटलर। हाँ? हेल हिटलर। मामा आप देखिए एक बार मुंह खोलो ना उनके सामने। ये हमारे बंगले के बाहर चौकीदार कहाँ से आ गया? रेनोवेशन हो रहा है ना, लगता है किसी दीवार में दबा पड़ा मिला होगा। ओ मोटा मोटा साहब जी, अंदर में कहाँ जाता है? अबे ओ हमको मत रोक, हम इस घर के मालिक हैं। मालिक तो अंदर में, तुम कौन आए? अबे तेरे मालिक होंगे अंदर, इस घर के जो असली मालिक है सारे के सारे बाहर है। हट जा यहाँ से, चल। ओ खबरदार, अंदर में नहीं जाने का। वॉचमैन क्या बात है? अब देखिए ना सोहन चाचा, ये चौकीदार हमको हमारे घर में अंदर आने नहीं दे रहा। अरे वॉचमैन इन्हें मत रोको, ये इस घर के जवाई हैं। ओ सलाम साहब। सलाम साहब, जाते वक्त बख्शीश दे जाऊंगा। आइए आइए। 2 रुपए। ओ हंसते हंसते जा रहा है, रोते रोते आएगा। तो रेनोवेशन का काम बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। अरे काहे का रेनोवेशन मामा जी, अब जैसा है वैसा ही रख लेता हूँ बंगला, रेनोवेट करवाने की क्या जरूरत है? एक मिनट, बंगला ऐसे ही रख लेता हूँ मतलब? अरे रघु ऐसे ही रख लेता हूँ का मत। रघु। हाँ अरे ये क्या है? अरे भाई, जिस औरत ने मरते मरते बंगला मेरे नाम कर दिया, मैं उसकी तस्वीर पर हार नहीं चढ़ाऊंगा क्या? मरते मरते बंगला आपके नाम कर दिया, मतलब समधन मर गई? कब? अरे 3 दिन हो गए भाई। अरे आप क्या मजाक कर रहे हैं? अब अभी अभी तो हॉल में उस बंगले में 3 अंडों का ऑमलेट खा रही थी। हाँ। अरे वो कोई और होगी, मेरे पास तो दुर्गा का डेथ सर्टिफिकेट भी है और वसीयत भी है। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, ना तो वो मरी है और ना उन्होंने ये बंगला आपके नाम किया है। हाँ। अरे भाई, मेरे पास सबूत है। तुम्हारे पास क्या है? ओ, मेरे पास सासू माँ है। सॉरी मामा जी, मैं समझ गया। चलिए, यहाँ पर झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, चलकर ये बात सासू माँ को बतानी होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे समधन, सब्र करो प्लीज, सब्र करो। कैसे सब्र करूं? अच्छा तो जाने दो। अरे समधन, मैं समझता हूँ बहुत टेंशन वाली बात है। देखो भाई, दुनिया में पहली बार किसी इंसान को जीते जी उसकी मौत की खबर दूसरों से मिली है। देखो ना, अरे मैं इस सोहन को नहीं छोड़ूंगी। एक मिनट, जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा दुर्गा, ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। देखिए, आजकल ऐसे किस्से बहुत कॉमन हो चुके हैं। अरे लोग अपने रिश्तेदारों को डेड करार देकर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं। मौसा जी, इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है? हाँ है ना, इसके लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है। आई नो, मैं जानता हूँ कि वो 2 चीजें कौन सी है। पहला, दवाइयों का बक्सा और दूसरी तलवार। मुझे मालूम है हर लड़ाई में ये दोनों चीजें काम आती हैं। ओह, अरे भाई, हम लोगों को 2 चीजों की जरूरत है। एक तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट कि आप जिंदा है और दूसरा एक सरकारी लेटर कि आप ही दुर्गा देवी है। जीजा जी, मैं जिंदा हूँ और मैं ही दुर्गा देवी हूँ, ये कौन सी बात हुई? अरे भाई दुर्गा, समझती क्यों नहीं? कानून अंधा होता है, कानून को सबूत चाहिए और तुम्हें लाना ही होगा सबूत। Excuse me, हमें आपसे एक सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट? कैसा सर्टिफिकेट? जिसमें लिखा हो कि मैं दुर्गा देवी हूँ। मुझे क्या पता आप कौन है? मतलब ये सही कह रही हैं कि ये दुर्गा देवी है? जी। कोई सबूत है आपके पास? पासपोर्ट है आपका? जी नहीं। वोटर्स आईडी कार्ड है? नहीं, मैंने कभी वोट ही नहीं दिया तो आई कार्ड। तो फिर क्या सबूत है? अरे मैं कह रही हूँ ना कि मैं ही दुर्गा देवी हूँ। ठीक है, आप दुर्गा देवी हैं तो मैं अमिताभ बच्चन हूँ। ये आप मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मान लो मेरी बात के मैं अमिताभ बच्चन हूँ। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, क्या कहना चाहते हैं आप। लेकिन देखिए, ये दुर्गा देवी ही है और बड़ी शरीफ औरत है। ठीक है, आप अपने एरिया के इंस्पेक्टर से सर्टिफिकेट ले आइए कि आप शरीफ हैं। इंस्पेक्टर विजय से हैं? मेरा मतलब, देखिए साहब, मेरी बात मानिए, थाने का सर्टिफिकेट पहले देखेंगे, उसके बाद आपकी बात मानेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, बस। समधी जी, पैसे दे दो। अरे पैसे दे और अंदर आ। पैसे दो। अरे मामा, मेरे पास कहाँ से पैसे होंगे? क्या यार, तुम लोग भी, मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे? क्या हुआ, कितना हुआ? 20। मामा, पर्स किसका है? ये तो भगवान ही जाने, लेकिन अंदर बहुत माल है। ये तो बड़ा अच्छा शगुन है। इसका मतलब समधन का काम हो जाएगा। हाँ, अगर लक्ष्मी माँ मिली है तो ग्रह देवता कैसे रूठ सकते हैं? यस। मैं कैसे विश्वास करूं कि आप शरीफ हैं, बदमाश या फ्रॉड नहीं है? हाँ, देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपने कभी आज तक मुझे किसी केस में अंदर किया है? जी नहीं। तो इससे बड़ा सबूत क्या है मेरी शराफत का? ये देखिए, ये आदमी 15 मर्डर, 6 किडनैपिंग और 12 डकैती डाल चुका है, फिर भी आज तक पकड़ा नहीं गया। इसका मतलब यही नहीं कि शरीफ है। नहीं, उसको जाने दीजिए, इनको भी जाने दीजिए। आप हमारी तरफ देखिए, जिस औरत के साथ ऐसे भोले भाले चेहरे वाले लोग हो, वो भला बदमाश हो सकती है? आप समझते नहीं, हमें सबूत चाहिए शरीफ होने का। अगर हमारे पास सबूत होता तो हम इसे सर्टिफिकेट दे देते। मोहन जी, छुट्टा है 500? हाँ। अरे मेरा पर्स! जल्दी करो यार, बाहर ऑटो वाला वेट कर रहा है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, हाँ, अब मैं आपको 500 का छुट्टा देता हूं और उसके बदले में आप हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिए। बदमाश, पॉकेट मार! आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? कब मारा तुमने मेरा ये पर्स? आपका पर्स? शरीफ लोग, शराफत का सर्टिफिकेट। चलो, बंगला तो गया हाथ से और इसके रहने का इंतजाम भी हो गया हवालात में। ओके बाय, सी यू। एक मिनट मामा, एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपका पर्स मारा वाला नहीं है, वो बाहर पड़ा हुआ था, मैंने उठा लिया। मोहन जी, ये चोर नहीं हो सकता। अगर ये चोर होता तो आप ही का पर्स आपके सामने क्यों निकालता? हाँ, मैं वाकई में शरीफ आदमी इंस्पेक्टर साहब। शरीफ आदमी होते ना तो मिला हुआ पर्स थाने में आके जमा करवाते, दूसरे का हक ऐसा हड़प मिले तो समझे। You are right, sir। हाँ। देखिए अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि हमें शराफत का सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो कम से कम हमें जो है इजाजत दे दीजिए, हम जाए। नहीं, get out। ओफो रघु, तेरी गड़बड़ की वजह से बंगला मेरे हाथ से निकल गया। अरे सासू माँ, मुझे कहाँ पता था कि वो पर्स उस इंस्पेक्टर का निकलेगा। चुप रहे। समधी जी, अब क्या करें? समधन, आपको याद है कि उस सरकारी ऑफिस वाले ने आपसे आपका पासपोर्ट मांगा था? हाँ, मांगा था। हो सकता है अगर हम उसे जाके पासपोर्ट दिखाएं तो वो मान जाए कि आप ही हैं। हाँ, मैं हूँ, लेकिन मेरे पास पासपोर्ट कहाँ है? मिल जाएगा, इनको पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये मर चुकी हैं। मेरा मतलब सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से, इसलिए इनको एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा किसी डॉक्टर से कि ये जिंदा हैं। घबराइए मत, डॉक्टर जानलेवा का नाम सुना है आपने? कंप्लीट मेडिकल चेकअप करना होगा, ये प्रूव करने के लिए कि यह जिंदा है। टाइम लगेगा। तो दिख ही रहा है टाइम लगेगा। आप देखिए डॉक्टर अंकल, एक जिंदा आदमी को सामने के सामने आप देख के नहीं बता सकते कि ये जिंदा है। हाँ, आप समझे नहीं, ये सरकारी काम है तो सरकारी ढंग से ही करना होगा। हाँ, सरकारी ढंग से ही कीजिए। अरे एक्सक्यूज मी सर, जो ऑफिसर यहाँ बैठते थे वो कहाँ है? ट्रांसफर हो गया उनका। He deserves it। नहीं, देखिए हमने एक पासपोर्ट बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी थी तो उन्होंने इनके जिंदा होने का सर्टिफिकेट मांगा था, हम वो सर्टिफिकेट लाए। डॉक्टर जानलेवा से लाए? हाँ, उन्हीं से लाए हैं। फाड़ के फेंक दीजिए, नहीं चलेगा। समधी जी, सॉरी भाई, क्यों नहीं चलेगा? यहाँ बैठने वाला ऑफिसर और डॉक्टर जानलेवा का कुछ आपस में लेन देन चलता था। कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक कोर्ट से दोनों निर्दोष साबित नहीं हो जाते तब तक डॉक्टर का कोई सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तो फिर आप ये बताइए कि आपको कौन से डॉक्टर का सर्टिफिकेट चलेगा? मैडम, आप कमाल करती हैं, पहली बार किसी सरकारी ऑफिस में आई हैं। जब तक कोर्ट से दोनों निर्दोष साबित नहीं हो जाते तब तक गवर्नमेंट किसी दूसरे डॉक्टर को कैसे अपॉइंट कर सकती है? तो ये दोष और निर्दोष कब साबित होगा ऑफिसर? सरकारी केस है, कल भी हो सकता है, अगले महीने भी हो सकता है, अगले साल या फिर अगली शताब्दी। हे भगवान, इसका मतलब बंगला गया हमारे हाथ से। देखो आप लोग, मेरी सलाह मानो तो मेरे साथ मेरे गांव चलो, वहाँ खेत ऐसे ही पड़े हुए हैं, मिलकर खेती बाड़ी करेंगे। नहीं, वहाँ मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगी। क्या है ना, मेरे बाबू मोशाय ने किसी पण फिल्म में किसान का रोल नहीं किया है, तो फिर मैं डायलॉग कौन सा मारूंगी रे? और दूसरी बात, खेती बाड़ी के लिए सिर्फ खेत से काम नहीं चलता, हल होने जरूरी हैं, बैल होने जरूरी है, बीज होना जरूरी है। बीज उधारी पर ले लेंगे, हल पुराना पड़ा हुआ, और रही बात बैलों की, जब तक इंतजाम नहीं होता, आप दोनों तो है ही। ठीक कह रही, ये दोनों बैल से कम है क्या? रघु, तूने अगर वो लफड़ा नहीं किया होता ना पुलिस स्टेशन में, आज वो बंगला मेरे को वापस मिल गया होता। ठीक है सासू माँ, आप ये समझ रही है ना कि मेरी वजह से वो बंगला आपको नहीं मिल सकता? रघु, मैं समझ ही नहीं रही हूँ, मैं जानती हूँ। तो ठीक है, मैं आपको वो बंगला वापस दिलवाऊंगा। तुम? हाँ, मैं। आप रिवॉल्वर तो सीधी पकड़ सकती है ना? बिल्कुल। हाँ, समझ गया। देखो, तुम कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। I love life। एक मिनट मामा, मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिवॉल्वर हाथ में देने की बात कर रहा हूँ। सोहन उठो ना, सोहन। अरे आप लोग इतनी रात को मेरे कमरे में यहाँ क्यों खड़े हैं? मेरा मतलब, बैठिए ना, अपने घर समझिए। हम लोग यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं सोहन। बंगले के कागज निकालो जल्दी से। हाँ। और खबरदार, कोई होशियारी नहीं। हाँ। नहीं, मैं वो सारे पेपर अपने तकिए के नीचे रख के सोता हूँ। मैंने सोचा जब भाभी आएंगी तो अपने हाथ से खुद ही दे दूंगा। हाँ, जल्दी। हाँ, थैंक यू। हम सभी काम पर हैं। पर आप ऐसा वैसा मत समझिए हमको, हम आपकी तरह लालची नहीं है। हाँ, हमारे रहने के लिए तो मीरा रोड पे 2 बेडरूम फ्लैट ही काफी है। हाँ, जिसे खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। सोहन, कल ठीक 11 बजे दीदी के घर 10 लाख रुपए लेके आ जाना, समझे? हाँ, आ जाऊंगा। चलो रघु, समधी जी, चलो। होशियारी नहीं। हाँ, चलो। चलो, क्या कर रहे हैं? ये समझते हैं कि मैं डर गया अरे 10 लाख रुपए कल मैं लेके आऊंगा और खुद पुलिस वाले तुम्हें भेंट करेंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि बंगले की कागजात तो ऑलरेडी हमारे पास आ ही गए हैं, तो हम लोग वापस नाम चेंज करवा के बंगला अपने नाम क्यों नहीं करवा लेते? ये 10 लाख का क्या चक्कर है? अरे पहली बात तो ये है कि हम जो कुछ भी करेंगे वो कानून के मुताबिक ही करेंगे, क्योंकि कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं और हमारे पैर बहुत छोटे हैं। कहाँ तक भागेंगे हम लोग? और दूसरी बात यह है कि उस सोहन के बच्चे को सबक भी सिखाना है। लगता है वो लोग आ गए। चलो चलो अंदर चलो। चलिए हम भी चलो चलो। भाभी जी हैं? आप ही का इंतजार था। हाँ भाभी जी। भाभी जी, कल रात को मेरे घर में घुसकर मुझे रिवॉल्वर दिखाकर मेरे बंगले के पेपर लेकर आई थी, याद है ना? याद है, कैसे भूल सकती हूँ देवर जी। ये लीजिए आपके पेपर, पहले 10 लाख दीजिए। लीजिए। खबरदार, पुलिस ने दरवाजे की ओर से आप लोगों को घेर रखा है, भागने की कोशिश न करना। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई है, कल रात दुर्गा देवी ने इनके यहाँ डाका डाला था। हमारे पास दुर्गा देवी को गिरफ्तार करने का वारंट है। माफ कीजिए, इन्होंने गलत रिपोर्ट लिखवाई है। अजी रिपोर्ट बिल्कुल सही लिखवाई थी और इंस्पेक्टर साहब ने सुना भी है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। इसका मतलब आप मानते हैं कि यही दुर्गा देवी है, राइट? अरे है तो है, इसमें मानने ना मानने की क्या बात है। करेक्ट। इसका मतलब आप ये भी मानते हैं, आपको पूरा यकीन है कि यही मतलब दुर्गा देवी कल आपके बंगले पर आई थी। बिल्कुल। इसका मतलब है आप ये भी मानते हैं कि मैं जिंदा हूँ। अरे आप जिंदा तभी तो कल रात को मेरे बोलिए बोलिए, बोलती क्यों बंद हो गई? आप बोलिए ना, अगर ये जिंदा है तो वो बंगला आपका कैसे हुआ? ये दुर्गा देवी नहीं है। अरे अभी भाई तो आप बता रहे थे दुर्गा देवी है। फंस गया। आप लोगों ने जानबूझकर मुझे फंसाया है, लेकिन मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। हटना। इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ भी हो, लेकिन इन लोगों को ये बात माननी पड़ेगी कि कल रात ये मेरे घर पर डाका डालने आए थे। यस। एक मिनट। हाँ। आपका घर? अरे वो आपका बंगला तभी हो सकता था अगर ये मर गई होती, लेकिन दुर्गा देवी तो जिंदा है और मैं जिंदा हूँ, इसलिए वो बंगला आपका हो ही नहीं सकता। आप देखिए, इन्होंने अपने बंगले के कागजात आपसे ले लिए, तो अपने आप में ये तो बात सही है ना। हाँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए अपने आप में जो आप चुप रहिए। हाँ। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब गौर फरमाइए, कल रात को आप इनके बंगले में क्या कर रहे थे? वो 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 सब समझ में आ गया। सिंपल एग्जांपल है, शिकारी हिरण मारने निकला था और सामने से शेर आ गया। चलो। इंस्पेक्टर साहब, कुछ ले दे के रफा दफा नहीं हो सकता मामला? हो सकता है ना। तुम मुझे अपना गाल दो, मैं तुम्हें अपना लाफा देता हूँ। उठाओ इसको। व्हाट अ सिंसियर इंस्पेक्टर। सुनो। चलो। अरे ले जाओ ले जाओ इसको। अरे चल, बांड वाले की बात कर रहे हैं। ओह थैंक गॉड। मेंशन नॉट। मम्मी मम्मी कम रस, हमें हमारा घर वापस मिल गया। एक बात है, पापड़ बड़े बेलने पड़े। पापड़ बेले भी जीजू और मामा जी ने और फ्राई भी उन्होंने ही किए। वैसे इनकी वजह से ही तो हमें घर मिल पाया ना। और क्या, हम लोग खामखा चिल्ला रहे थे ना कि बंगलारा घुसाप की वजह से हमको नहीं मिला। मम्मा अब आप क्या कहती हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि ये दोनों खोटे सिक्के हैं। लेकिन वो क्या है ना कि कभी कभी खोटा सिक्का ही काम